एनसीआर सोनीपत के गन्नौर बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री नंबर 40 में अचानक से भयंकर आग लग गई। आप जो यह तस्वीरें देख रहे हैं, सोनीपत के गन्नौर औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भयानक आग लग चुकी है और दमकल विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां केमिकल के ड्राम और गैस के सिलेंडर भी थे, जिनमें भी विस्फोट हुआ है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहकर आग को बुझवाने में मदद भी जरूर कर रहा है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और इस आगजनी में किसी भी व्यक्ति की जान चली जाने की खबर सामने नहीं आई है। फोन आया जी कि 40 नंबर फैक्ट्री में आग लगी है, फेस वन में। तो तुरंत हमने फायर ब्रिगेड के ऑफिसरों को फोन मारा, तुरंत गाड़ी आ गई। अभी 11-12 गाड़ी आई हुई है और पानी भरवा भरवा के कुछ फैक्ट्री वाले मदद कर रहे हैं, पानी भरवा भरवा के खाली कर रहे हैं। 4-5-6 फैक्ट्री में साथ में और आग लगती है। देखना पड़ेगा कि केमिकल की फैक्ट्री है, थोड़ा काबू में आए तो फिर देखते हैं जी क्या। आप इस धुएं के गुबार को भी देख सकते हैं, काफी आसमान में काला ही काला धुआं फैल चुका है और यहां मौजूद फैक्ट्री में भयानक आग लगी हुई है, जिसको प्रयास किया जा रहा है कि कम करके काबू पा लिया जाए, क्योंकि यहां आग पर काबू पाने के लिए आसपास के क्षेत्रों से भी दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियों को बुलवाया गया, जो जल्द ही आग पर काबू पा लेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। और आग किन कारणों से लगी, यह खुलासा नहीं हो पाया है, जांच का विषय है। फिलहाल कोई जान माल के नुकसान की भी सूचना नहीं है। आग पर फिलहाल काबू तो जरूर पा लिया है, लेकिन नुकसान काफी हो चुका है, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों से दमकल विभाग की गाड़ियां भी बुलवाई गई और आग को शांत किया। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।